170 और 35A के वापसी के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, उस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की चर्चा हो रही है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है कि इस मुद्दे पर, अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के मुद्दे पर, तो कम से कम कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान सेम पेज पर हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सोडी जी, क्या हम कह सकते हैं कि फाइनली द कैट इज आउट ऑफ द बॉक्स? देखिए जसमिन, पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता है कि धारा 370 वापस आए। पाकिस्तान का जो एक नापाक मंसूबा था जम्मू कश्मीर में हालात को खराब करने का, देखिए इस जो कल स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की, एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल में एक इंटरव्यू के दौरान, वो भारत का, भारतीय सरकार का और बीजेपी का जो स्टैंड है कि जो धारा 370 है वो जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को पनाह दे रही थी, अलगाववाद को बढ़ावा दे रही थी, उसी चीज से, क्योंकि आप देख लीजिए जब से धारा 370 हटाई है, सेपरेटिज्म ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है जम्मू कश्मीर में। जो अलगाववादी ताकतें थी जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो जमात इस्लामी जो एक वक्त सपोर्टर हुआ करती थी पाकिस्तानी आइडियोलॉजी की, वो आज अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर रही है, जिन्हें वो सपोर्ट कर रही है भारतीय संविधान के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये आप समझ लीजिए कि कितना बदलाव जो है जम्मू कश्मीर में आया है धारा 370 को हटाने के बाद। तो वही चीज जो है पाकिस्तान उसे फिर से रिस्टोर करना चाहता है और पाकिस्तान को एक मौका मिला है, क्योंकि भारत की दो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को कह दिया है कि धारा 370 को वापस आएंगे और कांग्रेस पार्टी ने उस मैनिफेस्टो को सपोर्ट किया है। देखिए हालांकि कांग्रेस पार्टी ने खुल के इस बात का जिक्र नहीं किया कि आप 370 को सपोर्ट करेंगे, उसकी एप्रोक्रेशन को या उसको उस जो डिसीजन लिया गया है उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कांग्रेस उस पर क्लीन नहीं हुई है। लेकिन एक बात बड़ी गौरतलब है यहाँ पर जैस्मिन की, कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया है सोपोर से, इरफान हफीज, जो उन लोगों में शामिल है जिन्होंने एक पेटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जो धारा 370 को हटाने की जो पेटीशन फाइल की गई थी उसमें इरफान हफीज का भी नाम था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वो पेटीशन डिसमिस कर दी थी, लेकिन आप देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का एक कैंडिडेट वो है जो धारा 370 की रेस्टोरेशन के लिए कानूनी जंग लड़ रहा है। तो हालांकि कांग्रेस को इस पे बड़ा एक जवाब, लेकिन तेजेंद्र जी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हो, कांग्रेस हालांकि खुलकर अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर नहीं बोल रही, स्टेटहुड के मुद्दे पर जरूर कांग्रेस ने अपनी बात रखी है कि स्टेटहुड हम बहाल करेंगे। अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस ये जानती है कि अगर इस बात को कहेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में भी उनको फिर नुकसान और कहीं ना कहीं तीखे हमलों का सामना करना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि जम्मू कश्मीर तक ही सीमित है, इस वजह से शायद वो अनुच्छेद 370 पर खुलकर बात करते हैं। लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री इस बात को कह चुके हैं कि संविधान से अनुच्छेद 370 पूरी तरह से हट चुका है, स्क्रैप हो चुका है, मान लीजिए ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर मोहर लगना, फिर किस आधार पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को कह रहे हैं और पाकिस्तान किस हक से इस बात को कह रहा है? देखिए जैस्मिन, पाकिस्तान का तो जम्मू कश्मीर पे कोई हक है। भारतीय पार्लियामेंट ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर भारत और पाकिस्तान में कोई डिस्प्यूट है वो उस पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड, जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, इलीगल कब्जा किया हुआ है कश्मीर पे, उसको लेकर डिस्प्यूट है और भारतीय पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह कई बार इस चीज को कह चुके हैं कि उस पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर जो है पाकिस्तान के कब्जे में, इलीगल कब्जे में, उसे वापस लेना एक जो है अनफिनिश्ड अभी एजेंडा है, उसे पूरा किया जाएगा, उस कश्मीर को, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को कैसे दिया जाए। रही बात स्टेटहुड की, आप देखिए कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सब ये डिमांड कर रही है कि स्टेटहुड वापस होना चाहिए। लेकिन आप इस, ये पार्टी इस बात को भूल रही हैं कि भारत के गृह मंत्री बार बार इस चीज को भारत के पार्लियामेंट के फ्लोर में दोहरा चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले डिलिमिटेशन होगी जो हो चुकी है, फिर स्टेट, फिर असेंबली इलेक्शन होंगे जो चल रहे हैं, और असेंबली इलेक्शन के बाद जब एक
सरकार आएगी जम्मू कश्मीर में, उसके बाद स्टेटहुड दिया जाएगा। तो स्टेटहुड का जो सपना है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का दूर नहीं है, उसे जल्द ही केंद्र सरकार जो है वो पूरा करेगी। वो एक गारंटी है, एक प्रॉमिस है जो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की है। लेकिन क्या हालात अभी जम्मू कश्मीर में कंड्यूसिव हैं? क्या हालात वैसे बन चुके हैं? क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को भेजा जा रहा है। जम्मू इलाका जो एक रिलेटिवली पीसफुल एरिया था, वहां पर आतंकी हमले कराए जा रहे हैं। तो जब हालात पूरे ठीक हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि स्टेटहुड रिस्टोर करने में सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई टाइम लगेगा। जी बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का यह बयान, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में एक लाइन में यह कहा है कि पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अनुच्छेद 370 की बहाली के मुद्दे पर सेम पेज पर है, इस पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया लेनी जरूरी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी। तेजेंद्र जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।